नहीं तुम्हारा वर्तमान भी। तुम्हारे घर में अंधकार फैलाकर सत्ता में बैठे लोगों के घर में उजाला फैलाने वाला मैं। तुम्हारे ही टैक्स से तुम्हें ही कर्जा खटक तुम सबको बारी बारी से अपनी चाल में फंसा कर तुम्हारे अधिकारों को तुमसे छीन कर तुम्हें विनाश पर खड़ा कर देने वाला मैं। जिनको तुमने चुनकर सत्ता में बैठाया वही तो मेरे आपा है तुम्हारे ही। उसके बाद भी तुम लोगों को इतनी महंगी बिजली देकर तुम्हारे धंधे को चौपट कर तुम्हारी रोजी रोटी छीनने की सरकार। जनता ने तो हर बार तुम्हारे वादों पे भरोसा करके वोट दिया, हमने क्या दिया? बाबा जी का झुल्लू। तुम लोगों की समस्या दिल्ली मॉडल पेश करेंगे। समय हम लोग शहर उत्तरी विधानसभा के बघाड़ा छोटा बघाड़ा मोहल्ले में अपनी कैंपेन चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी अलग अलग मुद्दों पे बात कर रही है। इस समय हम लोग बिजली का मुद्दा लेके चल रहे हैं और शहर उत्तरी विधानसभा में लोगों को बता रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 24 घंटे बिजली दी जाएगी। किसी का कोई भी पुराना बिल है तो माफ़ कर दिया जाएगा। कैंपेन में हम लोग अलग अलग तरह से लोगों से मुलाकात हो रही है, लोगों की समस्याएं मालूम चल रही हैं। बहुत सारे हम लोग को ऐसे घर मिले जहां पे एक कमरे का उनका घर है और उनकी कुल खपत एक बल्ब की और एक पंखे की है, लेकिन उनकी बिजली काट दी गई है। पिछले होली से उनकी बिजली काट दी गई है और उनके पास पैसा नहीं है कि वो दोबारा बिजली कनेक्शन ले। ये सरकार की नीति है कि यहाँ पे अगर आप गरीब हैं तो आपको उजाले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो वहाँ पे 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। गरीबों के लिए ही ये पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है और उनको अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है। वर्तमान में बहुत सी सरकारें हैं, शहर उत्तरी से आप दावेदारी किए हैं, क्या यहाँ पे समस्याएं जो अब तक पूरी नहीं हुई आपकी सरकार बनेगी? यहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं। बहुत बड़ी समस्या तो जो मोहल्लों के अंदर गंदगियाँ हैं, नाली बिल्कुल बजबजाई हुई है, बाढ़ आप लोग जानते हैं बाढ़ आती है तो बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे डूब जाता है। और बाहर से यहाँ के छात्र रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनकी ठीक से ना पढ़ाई की व्यवस्था है और उसके बाद कोई भी ऐसा यहाँ पे कार्यक्रम नहीं है कि उनको किसी तरह से प्रशिक्षित करके उनको रोज़गार दिलाया जा सके। और सरकारी वैकेंसियाँ जितनी निकल रही हैं आप लोग को जानकारी है ही, उसके बारे में क्या कहना। तो इस तरह के अलग अलग मुद्दे हैं, हम लोग हर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ठीक।